नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हावड़ा से अहमदाबाद तक चलने वाली हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेन की जानकारी है वो है हावड़ा से अहमदाबाद तक चलने वाली हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। अब ये ट्रेन जो है अभी नॉर्मल टाइम टेबल और नॉर्मल और नए टाइम टेबल और नए टिकट किराए के साथ चल रही है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसका ट्रेन नंबर है 128-34। ये जो ट्रेन है हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल कोलकाता से हर रोज चलती है और 36 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 57 स्टेशन हैं, 2086 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 58 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो हावड़ा से अहमदाबाद तक का होगा। इसका कोचेस वाइज किराया बताऊंगा। वैसे इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। सभी में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा, विदाउट रिजर्वेशन आप नहीं जा सकते इस ट्रेन में। तो अगर हम बात करें इसके कोचेस के बारे में, तो सेकंड एसी का जो हावड़ा से अहमदाबाद तक का टोटल किराया है वो है 3030 रुपये, जिसमें 2790 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 145 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 3030 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में AC थर्ड टीयर के कोच भी हैं। तकरीबन दो कोचेस हैं जिसका हावड़ा से अहमदाबाद तक का जो टोटल किराया है वो है 2095 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 1910 रुपये, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और GST चार्ज जो है 100 रुपये है। इसके अलावा हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जो है वो स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास का हावड़ा से अहमदाबाद तक का जो टोटल किराया है वो है 805 रुपये, जिसमें 755 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 805 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। बाकी जनरल डिब्बे भी हैं इसमें। जनरल डिब्बों का जो किराया है हावड़ा से अहमदाबाद तक का विद रिजर्वेशन वो है 495 रुपये, जिसमें 465 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 495 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार के कोच भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको डायरेक्टली जो है ट्रेन के अंदर ही जो है फूड जो है परचेज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे हावड़ा जंक्शन से इसके अहमदाबाद तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं। हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है हावड़ा जंक्शन से रोजाना चलती है। रात के 11:45 पर यह 23 नंबर प्लेटफॉर्म से हावड़ा जंक्शन से रवाना होती है और 36 घंटे 15 मिनट बाद ये अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में पहुँचती है। जो दूसरा स्टेशन है इसका वो है पंचकूरा जंक्शन। यहाँ पर ये ट्रेन जो है रात के 12:46 पर पहुँचती है और 12:03 बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद खड़गपुर जंक्शन में यह ट्रेन जो है रात के 1:20 पर पहुँचती है और 1:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 115 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। टाटानगर जंक्शन झारखंड में यह ट्रेन जो है रात के 3:13 पर पहुँचती है और 3:18 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 248 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। चक्रधरपुर झारखंड में ये ट्रेन जो है सुबह 4:08 पे पहुंचती है और 4:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 7 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 310 किलोमीटर के करीब जो है हावड़ा से चक्रधरपुर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है झारखंड से उड़ीसा में एंटर करती है। उड़ीसा के पहले स्टेशन रौलकेला जंक्शन में सुबह 5:40 पर पहुंचती है और 5:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है राजगंगपुर रेलवे स्टेशन उड़ीसा में सुबह 6:15 पर पहुंचती है और 6:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 441 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बमरा रेलवे स्टेशन ओडिशा में सुबह 6:43 पर पहुंचती है और 6:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 476 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। बमरा के बाद ये ट्रेन जो है झारसुगुड़ा जंक्शन झारखंड में पहुंचती है। झारसुगुड़ा जंक्शन में यह ट्रेन जो है
सुबह 7:35 पे पहुंचती है और 7:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में ट्रेन जो है सुबह 8:40 पे पहुंचती है और 8:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। खरसिया छत्तीसगढ़ में ट्रेन जो है सुबह 9:08 पे पहुंचती है और 9:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बराड़वर स्टेशन में पहुंचती है। बराड़वर स्टेशन में सुबह 9:32 पे पहुंचती है और 9:34 पे वहां से रवाना हो जाती है, 2 मिनट का स्टॉप है। चंपा जंक्शन छत्तीसगढ़ में सुबह 9:54 पे पहुंचती है और 9:10 के करीब वहां से रवाना हो जाती है, 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 668 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जंजगीर नैला स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 10:08 पे पहुंचती है और 10:10 पे वहां से रवाना हो जाती है, 2 मिनट का स्टॉप है, 680 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अकलतारा स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 10:22 पे पहुंचती है और 10:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अकलतारा के बाद ये ट्रेन जो है बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ में सुबह 11:40 पे पहुंचती है और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है भाटापारा रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ में दोपहर के 12:23 पे पहुंचती है और 2 मिनट का स्टॉप है। तिल्दा नेवरा में दोपहर के 12:54 पे पहुंचती है और 12:56 पे वहां से रवाना हो जाती है, 2 मिनट का स्टॉप है। रायपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ में ट्रेन जो है दोपहर के 1:35 पे पहुंचती है और 1:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। रायपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है हजरत निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। भलई पावर हाउस में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:06 पे पहुंचती है और 2:08 पे वहां से रवाना हो जाती है, 2 मिनट का स्टॉप है। दुर्ग जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:45 पे पहुंचती है और 2:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। दुर्ग जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 3:02 पे पहुंचती है और 3:04 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 895 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है RJN। राजनांदगांव के बाद ये ट्रेन जो है डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ में पहुंचती है दोपहर के 3:27 पे और 3:29 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 926 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यह छत्तीसगढ़ का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र में एंटर करती है। महाराष्ट्र के पहले स्टेशन आमगांव में ट्रेन जो है शाम के 4:08 पे पहुंचती है और 4:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। महाराष्ट्र के गोंदिया जंक्शन में शाम के 4:41 पे पहुंचती है और 4:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 999 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और गोंदिया जंक्शन का स्टेशन कोड है G। इसके बाद यह ट्रेन जो है तिरोरा स्टेशन में शाम के 5:07 पे पहुंचती है और 5:09 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,029 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और तिरोरा का स्टेशन कोड है TRO। इसके बाद तुमसर रोड जंक्शन में यह ट्रेन जो है शाम के 5:25 पे पहुंचती है और 5:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1,050 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। महाराष्ट्र के भंडारा रोड रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है शाम के 5:41 पे पहुंचती है और 5:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,067 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BRD। इसके बाद यह ट्रेन जो है कामटी रेलवे स्टेशन में पहुंचती है शाम के 6:17 पे और 6:19 पे वहां से रवाना हो जाती है, 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,119 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र में शाम के 6:55 पे पहुंचती है और 7 बजे वहां से रवाना हो जाती है, 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है वर्धा जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:58 पे और 8 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है
और 1208 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। वर्धा जंक्शन का स्टेशन कोड है WR। इसके बाद धमनगांव रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है रात के 8:40 के करीब पहुंचती है और 8:40 पर ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन भंडेरा जंक्शन में पहुंचती है रात के 9:58 पे और 10 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है मुर्तिजापुर में पहुंचती है रात के 10:28 पे और 10:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1345 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने अगले स्टेशन पर यह ट्रेन जो है अकोला जंक्शन में पहुंचती है। अकोला जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 11 बजे पहुंचती है और 11:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो शेगांव स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:29 पर और 11:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। नंदूरा रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में रात के 12 बजे पहुंचती है और 12:02 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और नंदूरा का स्टेशन कोड है NN और यहाँ तक की जो दूरी है यह हावड़ा से 1448 किलोमीटर के करीब कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है मलकापुर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में रात के 12:33 पर पहुंचती है और 12:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1445 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मलकापुर का स्टेशन कोड है MKU। इसके बाद यह ट्रेन जो है भूसावल जंक्शन में रात के 1:55 पर पहुंचती है और 2 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1526 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जलगांव जंक्शन में रात के 2:22 पर पहुंचती है और 2:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है JL। इसके बाद यह ट्रेन जो है धरनगांव रेलवे स्टेशन पे रात के 3:03 पे पहुंचती है और 3:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद अमलनेर स्टेशन में रात के 3:24 पे पहुंचती है और 3:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1600 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सिंधखेड़ा महाराष्ट्र में सुबह 4:02 पे पहुंचती है और 4:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। ढोंडीचा महाराष्ट्र में ट्रेन जो है सुबह 4:20 पे पहुंचती है और 4:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। नंदूरबार में यह ट्रेन जो है सुबह 4:55 पे पहुंचती है और 5:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद महाराष्ट्र के आखिरी स्टेशन नवापुर में यह ट्रेन जो है सुबह 5:50 पे पहुंचती है और 5:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गुजरात के पहले स्टेशन व्यारा स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 6:34 पे पहुंचती है और 6:36 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो मड्डी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 6:50 के करीब और 6:51 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1815 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बरदोली स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 7:04 पे पहुंचती है और 7:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है सूरत के उधना जंक्शन में सुबह 7:43 पे पहुंचती है और 7:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सूरत रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है सुबह 8:02 पे पहुंचती है और 8:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1863 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है भारूच जंक्शन में पहुंचती है सुबह 8:48 पे और 8:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो वडोदरा जंक्शन में सुबह 9:48 पे पहुंचती है और 9:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहां पर ये सौराष्ट्र एक्सप्रेस और कुछ अन्य ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है
आनंद जंक्शन गुजरात में पहुंचती है सुबह 10:31 पे और 10:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 2028 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। आनंद जंक्शन का स्टेशन कोड है ANND। इसके बाद यह ट्रेन जो है नादिया जंक्शन गुजरात में सुबह 10:52 पे पहुंचती है और 10:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है ND। इसके बाद यह ट्रेन जो है अहमदाबाद के मणिनगर रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है सुबह 11:32 पे और 11:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहां पर हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और मणिनगर का स्टेशन कोड है MAN। इसके बाद हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से अहमदाबाद के बीच में चलती है, अपनी 36:15 की जर्नी के बाद यह ट्रेन जो है हावड़ा जंक्शन अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में दोपहर के 12 बजे पहुँचती है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा जो है समाप्त कर देती है। दोस्तों इसी के साथ हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।